देश की राजनीति में सरकार और विपक्ष के बीच घमासान आम बात है, लेकिन अब एक ऐसा राज्य बनने वाला है जहां सरकार और विपक्ष में किसी भी मुद्दे पर मतभेद नहीं होगा। हर फैसला सर्वसम्मति से होगा, सदन में विपक्षी दल ही नहीं होगा। जी हां, देश में एक राज्य में बनने वाली है सर्वदलीय सरकार। तो किस राज्य में हो रहा है ये बड़ा सियासी बदलाव, जानिए इस रिपोर्ट में। विधानसभा हो या फिर देश की संसद, विपक्ष हर सदन में अपनी बात जोरदार तरीके से तो रखता है, साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर हंगामा भी दिखाई देता है। हाल ही में संसद के मानसून सत्र का नजारा तो सभी को याद होगा। एक दो दिन की कार्रवाई को छोड़ दिया जाए तो मानसून सत्र में सिर्फ हंगामा ही मचा रहा और सदन नहीं चल पाया। ऐसे में नजारे राज्य विधानसभाओं में भी आम है, लेकिन अब पूर्वोत्तर के राज्य नागालैंड की विधानसभा में विपक्ष के हंगामे की तस्वीरें नहीं दिखाई देंगी। सदन के अंदर विपक्ष की बेंच पर कोई सदस्य नहीं होगा, जो भी होंगे सभी सत्ता पक्ष की तरफ होंगे। ऐसे में सदन के अंदर बहस होगी लेकिन हंगामा नहीं, और ये सब बिना दल बदल के हो रहा है, यानी किसी भी पार्टी के सदस्य ने पाला नहीं बदला है। बिना दल बदल के ही नागालैंड में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। यहाँ सभी पार्टियों ने एक साथ मिलकर सरकार चलाने का फैसला किया है। सभी राजनीतिक दलों ने कोहिमा में मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया है कि राज्य में सर्वदलीय सरकार बनाई जाए। इस नई सरकार को संयुक्त लोकतांत्रिक गठबंधन नाम दिया गया है। इस नई सरकार में बीजेपी भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने खुद इस फैसले की जानकारी ट्वीट करके दी। सर्वदलीय सरकार गठन की बात 19 जुलाई से शुरू हुई, जब मुख्य विपक्षी दल नागा पीपुल्स फ्रंट ने ये प्रस्ताव विधानसभा में रखा था। शुरुआत में बीजेपी ने इसे मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में केंद्रीय नेतृत्व को विश्वास में लेकर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। डीवी लाइव की रिपोर्ट।